नमस्ते दोस्तों, उषा कासा चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है, और दोस्तों आप लोगों ने ढेर सारा मदद किया था, तो उन्हीं पैसे से मैं आज ही आई हूँ दोस्तों उनका खेत छुड़वाने। तो आप लोगों से बता दूँ कि कौन कौन भैया ने मदद किया है। तो अनिल चौधरी, उनकी पत्नी लता चौधरी ने 2000 रुपये दोस्तों मदद किए हैं, और उत्तम सिंह रावत 5000 रुपये, और अंजना 13000, अंजना US से हैं और 13000 रुपये। और दोस्तों जयश्री और उनकी दोस्त अल्पा दोनों लोग मिलके दोस्तों 20000 रुपये दिए हैं। तो मैं सभी लोगों को दिल से धन्यवाद बोलती हूँ। आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम लोग आप लोग करते हैं दोस्तों। आप लोग सोच बहुत अच्छा है, क्योंकि दोस्तों जो गरीबों लोग का खेत फंसा हुआ है, बहुत बहुत सालों से फंसा रहता है, मतलब उन लोगों के पास खेत रहते पे भी उनके पास दाना नहीं आता, क्योंकि उनके पास खेत गिरवी हो जाता है। तो आप लोगों से पैसे से मैं दोस्तों छुड़वा रही हूँ, मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी मिलता है। तो चलिए, मैं उनके घर चल रही हूँ, पहले बात कर लूँगी, उसके बाद चलूँगी खेत में। तो आप लोग हमारे वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। चलिए घर में देख लेते हैं कहाँ पे हैं। नमस्ते, और रहना आपको बेटा बना है, तब कब तक लगा यही? अब वही कह रहे हैं 1 बजे लाई जाए। अभी नहीं, कितना समय लगे? अब देखते हैं, फिर फोन लगाए वैसे 2 बजे तक आए। तो दोस्तों इनके बेटे गए हैं वहाँ पे जहाँ सब्जी बेचते थे, और वहीं हमने बुलवाया था फ़ोन करके कि उनको बुला लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी बड़े हो गए हैं तो उनको रहना ज़रूरी है। तो अभी नहीं आए, थोड़ा सा उनका इंतज़ार करेंगे, तब तक आप लोग उनका घर देख लीजिए अंदर से। तो दिखा दीजिए दीदी, यहाँ पे कई कमरा बता दी बस ये। तो यहाँ पे दोस्तों ये देखिए, दो गार्टर का यहाँ पे पक्का है, तो यहाँ पे थोड़ा सा पत्रा उतरा रखी है। तो दोस्तों दो घर ये पक्का है, दो गार्टर गार्टर का, पीछे पत्रा रखी हुई है, और अच्छा है दोस्तों का रहने के लिए, बहुत अच्छा है घर। तो दोस्तों आप लोगों से बता दें कि दीदी का हमने एक बार आया था, वीडियो बनाया था, वो वीडियो आप लोग देख लेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो इनका दोस्तों जितना भी खेत था सारा गिरवी है, और ऊपर से इनकी बेटी बीमार थी, कर्ज भी ली है। तो हम सोच रहे हैं दोस्तों, इनका एक खेत बेच चुकी हैं और दूसरा खेत इनका बिकने वाला था, तो इसलिए मैंने आप लोगों से मदद मांगा था। तो आप लोगों का पैसा हमारे पास था, तो उसी पैसे के दोस्तों आज मैं इनका खेत छुड़वाने आई हूँ। और मुझे दोस्तों बहुत ज़्यादा खुशी मिली, क्योंकि इनका खेत छूट जाएगा, और क्योंकि बिक जाता दोस्तों बाद में लोग बहुत ज़्यादा मतलब मुसीबत में पड़ जाते, क्योंकि 3 बच्चे हैं इनके। हाँ डॉक्टर, कहाँ है डॉक्टर? ये में हाँ, तो खेतवा कैसे चली ही? मतलब आई है ना, कैसे मतलब खेत छोड़ा? तो दोस्तों जिसके पास खेत रखा गया उसी में फोन करी है दीदी। हाँ वही खेतवा कैसे चली आप? चलो चलो। तो दीदी आपके खेत के पास हम चलेंगे आज, आज आपका खेत छुड़वाएंगे। ठीक है दीदी, ये तो बहुत खुशी की बात है, जो कि आज हमारा खेत आप छुड़वाने आ गई। हमारे हर्ष की सीमा ही नहीं, आज तक ऐसा कोई नहीं था कि हमारे गांव में कोई हमको मदद करने वाला मिला है, और नहीं तो हमारा ये भी खेत बिक जाता, कर्जा देते देते हम पूरा थक जाते, जो कि इतना ब्याज उठा के दवा भी किए थे और पढ़ाई लिखाई का खर्चा और दाना खाने का भी घर में सब मोल लाना। इसलिए आपके जो है खेत छुड़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो है कि आप हमारा खेत छुड़ाने, हमको जो है इतनी खुशी है कि जैसे कोई हमारे हर्ष की सीमा नहीं। तो दीदी आप देखो दोस्तों, दीदी करते करते आँखों में आंसू आ गया है इनको, और दीदी जो हम खेत छुड़वा रहे हैं तो भैया लोग हैं बाहर से हैं, उन लोग मदद करते हैं, तो उन्हीं का पैसा लेकर मैं आई हूँ आपके खेत छुड़वाने। तो इनको आप जो जितना मतलब शुक्रिया अदा करें कम ही है, और आप इनसे कह सकती हैं आप? हाँ भैया, आप सबके सामने में हाँ जो कि विनती कर रहे हैं कि आप लोग जो है हमारी मदद में बहुत सहयोग दिए हैं, जो कि हमारी गरीबी को समझे हैं। आज तक हम जो है कभी ऐसा सोचे ही नहीं थे कि
हमारा कोई मदद करेगा। अगर हमारा मदद किए तो आप ही लोग किए, आप लोग का एहसान हम कभी भी नहीं भूलेंगे। तो दीदी आप रज को टेंशन मत लें, बार बार विनती करते हैं कि आप लोग का हमेशा हम धन्यवाद ही करूँगी। तो दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं, जिसके पास कोई मदद करने वाला नहीं होता तो उसके पास इतना ढेर सारा मदद आ जाता है, तो उसके खुशी कोई ठिकाना नहीं रहता। दीदी की आँखों में आंसू आ रहा है बार बार कि आज मेरा कोई मदद कर दिया, क्योंकि दोस्तों यही सब कुछ कह रही थी कि जो हमारा सभी लोग हैं, मम्मी पापा जो रहते हैं अपने बेटे के लिए और बेटी के लिए बहुत कुछ करते हैं, और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। ऊपर से जो है वो भी मुझे बेचना पड़ रहा है, तो इसलिए इनको बहुत ज़्यादा टेंशन है, कुछ खा भी नहीं, अपने लिए कुछ भी नहीं करती। और मैं आप लोगों को दिल से धन्यवाद देती हूँ, आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। तो चलिए अब चल रहे हैं खेत पे, उन लोगों को बुलवाए हुए हैं। चलिए दीदी तब से हम लोग चल रहे हैं। तो हम लोग आ गए हैं दोस्तों खेत में, यही खेत है और भैया लोग आ रहे हैं, तो उन लोगों से हम बातचीत करके खेत छुड़ा देंगे। तो यही खेत है, ये देखिए चार कियारी बनी हुई है बड़ी बड़ी, 12 बिस्सा है ना, तो ये 12 बिस्सा खेत है दोस्तों। गेहूँ इसमें बोआ गया है, अभी सिंचाई नहीं हुई है, अभी ये इसी हफ्ते में होगी लास्ट में। नमस्ते भैया। नमस्ते। ये इन्हीं के पिताजी के जूते बोए, हम दिए हैं इसलिए उतनी दूर से यहाँ आने में, जब होता है तब करते हैं। हाँ तो अब ये अगर चाहेंगे तो मजदूरी अपन पूरी ले लें, तो उसके बाद जब वो काट पीट लेंगे जेठ में वो उनका हो जाए। हाँ हाँ वो तो बात है। तो दोस्तों भैया बता रहे हैं कि जो ये देखिए अभी बो चुके हैं, वही उसी लिए बात कर रहे हैं कि अगर चाहे तो उसको पैसा दे दें और खेत ले लें, और जैसा कहेंगे भैया लोग वैसा ही करेंगे हम, क्योंकि बुआई हो गई है दोस्तों, जो बोया हुआ है उससे पूछना बहुत ज़रूरी है। तो क्या करेंगे भाई, आपसे जैसा बोले वैसा हम कर देंगे। लीजिए आपको वर्क कर दिया लड़का। तो कितने में खेत रखे भैया? 40 दीदी, 40 पे रहा यहाँ पे आ जाए, 40,000 पे दिए। कितना साल पे हो गया? 3-4 साल हो गए। 4 साल या 5 साल हो गए। तो एक बार में पैसा दे रहे हैं कि थोड़ा बड़ा करके? अच्छा, इनके पति बीमार थे, वो एक कैंसर हो गया था इसलिए। हाँ तो ठीक है दोस्तों, हम पैसा दे दे रहे हैं और दीदी का खेत छूट जाएगा। तो दोस्तों भैया बार बार कह रहे हैं कि अरे जो इनका खेत आप छुड़वा रही हैं तो बाद में पैसा तो नहीं लेंगी, और क्योंकि दोस्तों गरीब लोग हैं, सब लोग मतलब चिंता करते हैं कि कहीं फंस ना जाए, इनका बेटा एक भी है मासूम है, तो उसी लिए कह रहे हैं। पर ऐसी बात नहीं है दोस्तों, हमारा वीडियो इन लोग देखेंगे तो समझ जाएँगे। तो यही बात है दोस्तों, भैया 2-3 बार हमसे कह गए हैं, और सभी लोग दोस्तों टेंशन में रहते हैं। गांव में कई तरह खेत छुड़वाती हूं तो कहते हैं क्योंकि दोस्तों गांव में कोई मदद करने वाला किसी का होता नहीं, गरीब लोगों का, तो आप लोग कितना ज़्यादा मदद करते हैं तो विश्वास नहीं होता। तो ये देखिए मैंने 40,000 रुपये लाई हूँ और दीदी को दे रही हूँ, इनका खेत छूट जाएगा। दीदी भैया दे दीजिए, धन्यवाद दीदी आपका आज खेत छुड़वाने के लिए, आपको मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी, आपको शुक्रिया अदा करने के लिए, जो कि इतने दिन तक कोई हमारा सहारा नहीं हुआ जो आप कर दिखाई है। तो दीदी आप बिल्कुल टेंशन मत लें, आप अपने बच्चन के ध्यान देते हैं, इतना बड़ा काम करते हैं, अभी हम सोच रहे हैं आपका खेत छूट जाए तो आपका आगे चल के आप समझ जाइए, क्योंकि हम लड़के आपको बाप जो बाहर खेती से थोड़ा सा बहुत आप करी हैं और उन्होंने समरी हैं, दोनों लोग मिलकर करी काम, तो भाई भविष्य आगे बढ़े। क्योंकि दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं कि अपनी दोनों बेटियों को अच्छे से पढ़ाना चाहती हैं, बेटे ने तो पढ़ाई छोड़ दिया है घर संभालने के, क्योंकि काम कर रहा है, वो सब्ज़ी बेचता है, 4,000 रुपये महीने पाता है। और तो सभी लोगों को मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ दोस्तों, बाप लोग बहुत अच्छा काम किए हैं जो इनका खेत छुड़वा दिए हैं, और दीदी बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो बेटा आप वही काम करेंगे अभी तक? तो गौरव केसरवानी का दोस्तों ये देखिए हमने 4,000 रुपये हमको दिए थे कि किसी का आप मदद कर दीजिएगा। तो दोस्तों ये देखिए मैंने इनका खेत छुड़वा दिया है, पर यहाँ पे जो जुताई बुआई हुई है इसमें खाद डाई सब लगा रहता है, तो उसी
का पैसा दोस्तों 4000 रुपये हम देंगे तो तुरंत इनका खेत मिल जाएगा। इसके अगर नहीं देंगे पैसा तो ये गेहूँ काट लेंगे तभी देंगे। तो ये हम पैसा 4000 रुपये दोस्तों हम दे देंगे, क्योंकि ये खेत छूटेगा मतलब इसमें होगा अनाज तो वही बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि खेत छूट जाता है तुरंत मिलता है तो दूसरी खुशी होती है। और तो ये 4000 मैं दे रही हूँ, 4000 रुपये है। लो भैया ठीक है, चलिए गिन लीजिए पैसा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को फिर से बता देती हूँ कौन कौन भैया ने मदद किया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं आप लोगों का नाम लेती हूँ तो अनिल चौधरी, उनकी पत्नी लता चौधरी दोस्तों 2000 रुपये दिए हैं और इतना बड़ा काम करने के लिए। तो उत्तम सिंह रावत ने 5000 रुपये दिए हैं। अंजना दीदी ने 13000 रुपये दिए हैं। जयश्री और अल्पा दोनों ने मिल के 20000 रुपये दिए हैं। और गौरव के शर्मा ने दोस्तों 4000 रुपये में इनका खेत छुड़वा दिया। सभी लोगों को मैं दिल से धन्यवाद बोलती हूँ। आप लोगों का एहसान दोस्तों हमने कभी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि आप लोगों की वजह से मैं गरीबों को मदद कर रही हूँ। दोस्तों थोड़ी थोड़ा आप लोग मदद कर देते हैं तो उसी लोगों से काफ़ी लोग संभर जाते हैं। अब ये लगे दोस्तों इनका बेटा काफ़ी बड़ा हो जाएगा, अब संभाल लेगा अपनी मम्मी और दोनों बहनों को, पढ़ा भी लेगा। और मम्मी दोस्तों खेती में काम करेगी और इनका खेत बिक जाता तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं आप लोगों को पैसे लगा कर मैं इनका खेत छुड़वा दी हूँ। तो दोस्तों अब चलेंगे घर पर। तो दीदी आप लोग के इतना ज़्यादा मदद मिला हुआ तो थोड़ा सा और दीदी जो है आप लोग को मैं मदद के लिए शुक्रिया करती हूँ कि आप लोग इतनी बड़ी मदद हमारी की हैं जो आज तक किसी ने नहीं किया, और हमारी खेत छोड़ा दिए हैं। अब मैं इसी में मेहनत मजदूरी करके अपने बाल बच्चों की देखभाल करूँगी, इसके लिए आपको धन्यवाद। तो दोस्तों दीदी बहुत ज़्यादा खुश हैं और उनका बेटा भी बहुत खुश है। और चलिए हम लोग चल रहे हैं, अब चलें दीदी। तो उस तरफ से दोस्तों वहाँ पे नाली है, उस तरफ से सिंचाई होगी तो वही दीदी देख रही हैं कि उस तरफ से पानी आएगा तो एक खेत, क्योंकि अभी इसी हफ्ते में भराई होगी किस खेत की।